अथ वेदस्वाध्यायः पृष्ठसंख्या 38। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य यजुर्वेद भाष्य ग्रंथस्य द्वात्रिंशोत्तमाध्यायस्य चतुर्दश मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमान मंत्रस्य ओम याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठसंख्या 38। ॐ यं मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। यां मेधां देवगण इति देवगणः पितरः च उपासते इति उपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। याम इति अस्य मेधाकाम ऋषिः परमात्मा देवता निचरित अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। मनुष्य ही ईश्वरात् बुद्धि ही याचनीय इति आहा। मनुष्यों को ईश्वर से बुद्धि की याचना करनी चाहिए, इस विषय को प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं। पदार्थः संस्कृत भाषायां यां मेधां प्रज्ञां धनं वा मेधा इति धना नाम निघंटु दोदस देवगणः देवानां विदुषां समूहा पितरः पालयितारो विज्ञानिनः च उपासते प्राप्य सेवन्ते तया माम अद्य मेधया अग्ने स्वप्रकाशत्वेन विद्या विज्ञापक मेधाविनं प्रशस्ता मेधा विद्यते यस्य तम कुरु स्वाहा सत्यया वाचा। अन्वयः हे अग्ने विद्वन अध्यापक जगदीश्वर वा देवगणः पितरश्च यां मेधाम उपासते तया मेधया माम अद्य स्वाहा मेधाविनं कुरु। भावार्थः संस्कृत भाषायां मनुष्यः परमेश्वरं उपास्य आप्तं विद्वांसं संसेव्य शुद्धं विज्ञानं धर्मजं धनञ्च प्राप्तुं इच्छेयुः अन्याश्च एवं प्राप्येयुः। पदार्थः आर्यभाषायां हे अग्ने स्वयं प्रकाश रूप होने से विद्या के जानने हारे ईश्वर व अध्यापक विद्वान देवगणः अनेक विद्वान च और पितरः रक्षा करने हारे ज्ञानी लोग याम जिस मेधाम बुद्धि व धन को उपासते प्राप्त होके सेवन करते हैं तया उस मेधया बुद्धि व धन से माम मुझको अद्य आज स्वाहा सत्यवाणी से मेधाविनम प्रशंसित बुद्धि व धन वाला कुरु कीजिए। भावार्थ आर्य भाषायाम मनुष्य लोग परमेश्वर की उपासना और आप्त विद्वान की सम्यक सेवा करके शुद्ध विज्ञान और धर्म से हुए धन को प्राप्त होने की इच्छा करें और दूसरों को भी ऐसे ही प्राप्त करावें। इति वेद स्वाध्यायः।